हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे और जो लोग अच्छे नहीं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आज सुबह सुबह हो चुका है 5:30। तो अभी मैं जाऊंगा, वो लकड़ी लेकर जाऊंगा, क्या करूंगी तो चलो आगे देखते हैं उसको क्या करते हैं। तो ये है वो लकड़ी, उसको लेकर जाऊंगा वो अपने खेत की तरफ, खेत में क्या करूंगा तो चलो आगे मिलते हैं खेत से। तो अभी तक आधा रास्ता आ चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा उठा कर ले जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वजन में हल्का है, पकड़ने के लिए सजेस्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो चलो जल्दी से उधर पहुँचते हैं, उसको रख लेते हैं। तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ। तो वो ये लकड़ी क्यों लाया कि वही दिखाता हूँ। तो ये कांकड़ का पेड़ है, तो इसमें जो लकड़ी है तो उसको अभी खड़ा करेंगे, तो ये उस लकड़ी के ऊपर जाएगा और उसमें ये फल आएगा, ये सब्जी वाला पौधा है। तो इस पौधे को अगर आपकी तरफ से क्या नाम से बोलते हो तो कमेंट में ये ज़रूर बताना, हम तो इसे कांकड़ ही कहते हैं। तो चलो उसको खड़ा करने के लिए ये लाया है पहाड़ी और ये नाम। नाले उसको खड़ा कर दिया है, तो इसको भी ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ा दिया है, तो ये कुछ दिनों में पूरा उसमें फैल जाएगा, चढ़ जाएगा और उसमें उसका दिन आने पर इसको फल देगा। तो खड़ा हो गया है तो इस पर, तो फाइनली वो लकड़ी को खड़ा कर दिया है। अभी मैं नदी में जा रहा हूँ, नदी में वो बेली का काम करने, वहाँ से नहा धो के ब्रश व्रश करके इधर की तरफ निकल, तो चलो नदी में। पिछले साल से ये जाल को बना रहा हूँ लेकिन आज ख़त्म किया है थोड़ी थोड़ी करके, काम की वजह से आज थोड़ा कल थोड़ा करके ये बांध रहा था, तो पिछले साल से कम करते करते इस साल आज पूरा हो गया। देखते हैं ये जाल में कब मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। इसको पहले तो जो कारपास लगाया तो वही उग चुका, और जो एक दो बचा कुछ नहीं उग पाया, तो वही जगह पर और बीज लगाया, तो वो बारिश नहीं होने की वजह से सब उग तो चुका है, थोड़ा हल्का हल्का, लेकिन वो सारे जल चुका है और इसमें और बीज डालना पड़ेगा, पूरा बर्बाद कर दिया सारे को। तो बीज लगाया तो ये देखो बारिश नहीं हुआ, तो पूरा ये थोड़ा उग चुका और ये इसको कीड़ा काट दिया, ये भी नहीं उग पाया है क्योंकि ये थोड़ा उग रहा है, लेकिन बारिश होता तो ये अच्छे से उग पाता, लेकिन ये जल नहीं, ये जल चुका है ये और नहीं उग पाएगा। देखते हैं ये बाद में जो चारा लगाया वो ही कोई भी उग नहीं पाया, ये सूख चुका है बीज अंदर फूल के, ये और नहीं हो पाएगा। बारिश अगर कल परसों होता तो ये हो पाता, सब बर्बाद कर दिया बारिश की वजह से, सब चपट हो गया। और जो पहले बारिश गिरा था तो उस टाइम वो लगाया तो ये थोड़ा अच्छा हो पाया है, लेकिन जो ही जगह पे नहीं उग पाया तो उसको लगाया तो उग गया, और कब बारिश होगा तो वही लगाएंगे तो वो बढ़ते बढ़ते उसको मेकअप नहीं कर पाएगा, वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो जो भी होगा तो होगा, और क्या कर पाएंगे, बारिश होता तो एक साथ हो पाता ही था, बाद में भी जो लगाया वही लगातार बारिश गिरा और तुरंत बंद हो गया। तो देखते हैं और कब बारिश होता है, बारिश तो हो रहा है बोल के ये बाद में भी बीच लगा दिया था, ये सारे जल गया है, जो भी होगा दिखा जाएगा और क्या करता हूँ। आज के लिए इतना ही, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कैसा लगा आपको, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अगर नहीं लगा हो तो भी डिसलाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।